हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष और मैं टीचर एजुकेशन आज इस वीडियो अपन क्लास टेंथ आरबीएससी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 8 है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 21 to 25 अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 21 आपको गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबो ए लेक। एक लेक से 20 मीटर अबो एक पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे ए, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 30 डिग्री का। इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, उसी पॉइंट से आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो गिवन है ना वो गिवन आपको 60 डिग्री। रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन एंगल गिवन है ना वो गिवन आपको 60 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से उस क्लाउड की क्या बतानी है आपको, डिस्टेंस बतानी है। देखो डायग्राम से समझेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा। इसका अपने पास हो गया डायग्राम, ये हो यहाँ पे लेक और लेक से 20 मीटर अबो, लेक से 20 मीटर अबो कोई पॉइंट अपने पास है यहाँ पे ए। उस पॉइंट से आपको एक क्लाउड का, सपोज अपने पास जो बी पॉइंट है ये अपने पास क्या है यहाँ पे क्लाउड, पॉइंट ए से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 30 डिग्री। सेम उसी पॉइंट से आपको जो इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है वो गिवन है 60 डिग्री। ये एंगल आपको गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से इस क्लाउड की क्या फाइंड आउट करनी है आपको, डिस्टेंस। इट मीन्स आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है आपको ए बी की वैल्यू। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, इस बी सी को आपने सपोज किया यहाँ पे एच। अगर आपके पास ये डिस्टेंस 20 है तो ये भी कितनी होगी आपके पास यहाँ पे 20। इसको आपने कंसिडर कर लिया एच, तो आपके पास जो बी डी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू हो जाएगी 20 + h मीटर। और सी से लेके ई तक, सी से लेके आपके पास ई तक की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये जो अपने पास डिस्टेंस होगी सी से ई की हो जाएगी 20। और जितना अपने पास लेग से ऊपर वाला पार्ट है उतने अपने पास लेग से नीचे वाला पार्ट होगा, उससे रिफ्लेक्शन होगा उसका। तो अगर ये 20 + h है तो ये भी कितना होगा यहाँ से डी से लेके ई तक 20 + h। तो 20 + h + 20 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 40 + h। तो पॉइंट सी से लेके ई तक की जो अपने पास डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 40 + h मीटर। अब इसमें आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, पॉइंट ए से उस क्लाउड के बीच की डिस्टेंस। तो इसके लिए आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेके आपको सोल्व करना है। इसके अंदर सोल्यूशन होगा, देखो इसका सबसे पहले ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सोल्यूशन में, ए सी बी ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल के अंदर एंगल अपने पास 30 डिग्री का, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपोन में हो जाएगा इसमें बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू यहाँ पे एच और बेस अपने पास यहाँ पे ए सी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे बी सी अपोन में हो जाएगा अपने पास ए सी। वैल्यू पुट करेंगे तो 10 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे एच कंसिडर की है, और जो ए सी है उसको पुट कर लो आप यहाँ पे ए सी एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ए सी की वैल्यू आएगी h√3। ए सी वैल्यू अपने पास हो जाएगी यहाँ पे h√3। इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड जो ट्राइंगल है इसके अंदर, सेकंड ट्राइंगल अपने पास हो जाएगा ए सी और ई ट्राइंगल, ए सी और ई ट्राइंगल। इसमें एंगल के सामने वाली साइड जो बी सी है यहाँ पे वो तो हो जाएगी एज ए परपेंडिकुलर, और इसका जो बेस है वो हो जाएगा यहाँ पे ए सी। तो 10 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो सी ई अपॉन में हो जाएगा ए सी। इन ट्राइंगल ए सी और ई, ए सी ट्राइंगल के अंदर हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर सी ई अपॉन बेस, बेस हो जाएगा इसका ए सी, सी अपॉन में ए सी। वैल्यू पुट करेंगे इसकी, वी नो डेट 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू सी ई। अब सी ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कितनी, 40 + h, 40 + h अपॉन में ए सी, ए सी को आप पुट कर दो यहाँ पे एज इट इज ए सी, ए सी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास ए सी √3।
इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस एच, और यहाँ से जो ए सी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 40 प्लस एच डिवाइड बाई अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई में रूट 3 था, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, इसको कर देंगे अब इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो भी किसकी वैल्यू थी बताओ, ए सी की। इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यू फाइंड आउट की वो वैल्यू किसके अपने पास, यहाँ पे ए सी की। जब बोथ इक्वेशन का एल एच एस अगर इक्वल है तो आर एच एस क्या रख सकते हैं अपन, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को यहाँ पुट कर देंगे इक्वल तो हो जाएगा एच अंडरूट थ्री इक्वेशन फर्स्ट से, वैल्यू किसके इक्वल होगी वो 40 प्लस एच अपॉन अंडरूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो अंडरूट थ्री को अंडरूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 40 प्लस एच, ये प्लस का एच है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3h माइनस एच इज इक्वल टू 40, और ये होगा यहाँ पे 2h इज इक्वल टू 40, और एच की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो आएगी 40 बाई 2, 40 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, एच की। एच की वैल्यू आने के बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से पॉइंट ए से उस क्लाउड की डिस्टेंस। ये देखो अपने पास यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट किया आपने, एच की, मतलब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको ए बी, तो कौन सा ट्रायंगल यूज़ करोगे यहाँ पे, वही सेम ए सी बी ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ए सी बी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आ गई, और हाइपोटेनियस आपको क्या करना है फाइंड आउट, 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अपने पास किस में होगा यूज, साइन में, तो साइन अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए उससे आगे, इन ट्रायंगल ए सी बी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे बी सी और हाइपोटेनस की वैल्यू है यहाँ पे अपने पास ए बी, साइन थीटा एंगल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी आपके पास यहाँ पे, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, एच की वैल्यू 20 अपॉन ए बी आपको करना है यहाँ पे फाइंड आउट, पॉइंट ए से उस क्लाउड की डिस्टेंस आपको क्या करनी है फाइंड आउट। अब वी नो डैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 20 अपॉन में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। ए बी की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी 40 मीटर। आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से उस क्लाउड की डिस्टेंस, इट मीन्स आपको ए बी फाइंड आउट करनी थी, जो कि अपने पास आंसर आ गया इसका कितना मीटर, 40 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू 40 मीटर, ये इसका अपने पास आ जाएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 22 गिवन आपको एट के चैप्टर में वो गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। डायग्राम से समझेंगे, देखो इसके अंदर आपको गिवन है यहाँ पे, ये सपोज अपने पास बी सी है, वो दोनों रिवर के बैंक है, एक अपने पास है पॉइंट बी, एक पॉइंट कौन सा है यहाँ पे सी। अब इसके ऊपर से अपने पास एक ब्रिज पास हो रहा है यहाँ पे, उस ब्रिज पे कोई पॉइंट से आपको दोनों बैंक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, ये 45 है तो ये भी अपने पास 45 हो गया अल्टरनेट एंगल, ये 30 डिग्री है तो अपने पास ये भी कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैंने बताया था आपको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन शो करनी पड़ेगी, फिर जो अपने पास एंगल बनेंगे वो क्या होंगे यहाँ पे, ये इक्वल होंगे। और उस रिवर से उस ब्रिज की जो हाइट आपको गिवन है वो गिवन है यहाँ पे 4 मीटर, तो आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है, मतलब बी और सी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो अपने यहाँ पे ओ बी को सपोज किया एक्स और ओ सी को सपोज किया यहाँ पे वाई, टोटल हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो बी से लेके सी तक की आपको बतानी है यहाँ पे डिस्टेंस।
तो दो ट्राइंगल यहाँ पे आप यूज करोगे सोल्व करने के लिए, एक तो ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल ए ओ सी, और एक्स और वाई के लो निकाल के क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस, सॉल्यूशन होगा यहाँ पे इन ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल अपन लेंगे ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी यहाँ पे ए ओ, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ओ बी, तो ए ओ अपन में हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ओ बी, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास है यहाँ 45 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू अपने पास है यहाँ 4 अपॉन ओ बी की वैल्यू है यहाँ एक्स। वी नो डैट टेन 45 इज इक्वल टू 1, टेन 45 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 इक्वल टू 4 अपॉन में एक्स, देन एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4 मीटर। ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स की जो वैल्यू है अपने पास फर्स्ट ट्राइंगल से वो अपने पास आ गई यहाँ पे 4 मीटर। सेकंड ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे ए ओ बी, ए ओ सी ट्राइंगल सॉरी, सेकंड ट्राइंगल हो जाएगा अपने पास ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी अगर इसमें टेन अप्लाई करेंगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसमें बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे वही सेम ए ओ, और बेस हो जाएगा इसका ओ सी, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे टेन, एंगल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ओ 4, और ओ सी की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे वाई, टेन 30 डिग्री वी नो डैट टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन में वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा यहाँ से वाई की जो वैल्यू आएगी आएगी 4 अंडर रूट 3। इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास ये सेकंड, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन में विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की विड्थ हो जाएगी यहाँ से बी ओ प्लस ओ सी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स और वाई को दोनों को ऐड करेंगे तो उनके पास आ जाएगी यहाँ से रिवर की विड्थ, तो यहाँ पे करेंगे आप विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओ सी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू प्लस कर देंगे यहाँ से तो हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू अपने पास अब 4 अंडर रूट 3, यहाँ से अपने पास 4 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 4, वी नो डैट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, तो 1 प्लस 1.732 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2.732, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा अपने पास ये 10.92 मीटर, ये इसका अपने पास हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू, सेकंड ट्राइंगल से अपने वैल्यू फाइंड आउट की वाई की, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.92 मीटर। अगर अपने यहाँ तक इसको करते हैं ना 4 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर 3 मीटर, तो यहाँ तक कि अपने पास राइट होगा, या फिर अंडर 3 की वैल्यू पुट करते हैं आपके पास तो हो जाएगा 10.92 मीटर, सॉल्व करने पे भी इसका आंसर राइट होंगे, दोनों ही आंसर इसके अपने पास राइट होंगे। क्वेश्चन 23 जो आपको गिवन गिवन है, ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप, एक मैन है अपने पास जो शिप के डेक के ऊपर है, इस 10 मीटर अबोव वाटर लेवल, जो वाटर लेवल से आपको गिवन है 10 मीटर की हाइट पे, ही ऑब्जर्व डैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल, आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है और इसमें आपको हाइट भी फाइंड आउट करनी है किसकी, हिल की, मतलब उस शिप से और उस हिल के बीच की डिस्टेंस, या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो या फिर अपने पास ईडी फाइंड आउट कर लो, दोनों सेम ही हैं, और उस हिल की आपको बतानी है यहाँ पे हाइट। देखो जैसे अपने पास अभी इससे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था 21 का, वैसे सेम ए ई आपको दिया है यहाँ पे 10 मीटर, तो जो सी से लेके डी वो भी कितना हो जाएगा 10, इस बी सी को आपने कंसिडर कर लिया यहाँ पे क्या बताओ एच, तो टोटल हो जाएगा 10 प्लस एच, मतलब हिल की हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको एच फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस एच में अपन 10 क्या कर देंगे प्लस, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर। एक आपको उस शिप से
और उस हिल के बीच की क्या बतानी है डिस्टेंस, मतलब ए सी फाइंड आउट कर लो या फिर अपने पास फाइंड आउट कर लो क्या ए डी, दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे। सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, सबसे पहले ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए सी बी ट्राइंगल, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है हिल के टॉप पर 60 डिग्री का, और उसी सेम पॉइंट से आपको हिल के बेस पे या हिल के बॉटम पे आपको फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 डिग्री का। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना 30 डिग्री, मैंने ए से लेके सी तक की डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर कर ली एक्स, तो ए सी अगर एक्स है तो ई डी भी क्या होगा यहाँ पे बताओ एक्स, ये दोनों अपने पास पैर लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी इक्वल, ये एक्स है तो ये भी एक्स मीटर। सॉल्यूशन होगा सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल, ए सी बी ट्राइंगल एंगल हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास यहाँ पे बी सी और बेस है यहाँ पे ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो टेन एंगल की वैल्यू की होना आपको इसमें 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी, बी सी कंसिडर किया यहाँ पे आपने एच और ए सी आपने लिया यहाँ पे क्या बताओ एक्स, ए सी की वैल्यू होगा यहाँ पे एक्स, तो टेन 60 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा एच अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, एच जो अपने पास आएगा वो आएगा एक्स अंडर रूट 3, इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास ये फर्स्ट। अब सेकंड ट्राइंगल आप ए सी डी भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे और ए डी भी ले सकते हैं, दोनों ही ट्राइंगल आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये 10 तो इसमें ये 10, ये एक्स तो इसमें ये एक्स, ये एंगल अगर 30 डिग्री का तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का, रीजन क्या होगा इसका अल्टरनेट एंगल अपने पास ये बनेंगे, तो सेकंड ट्राइंगल होगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ई डी में, इन ट्राइंगल ए ई डी एंगल हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा ए और बेस होगा इसका ई डी, तो ए अपॉन में हो जाएगा ई डी वैल्यू पुट करेंगे तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए इक्वल टू 10 और ई डी इक्वल टू अपने पास है यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करेंगे, वी नो डैट टेन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ये 10 अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 10 अंडर रूट 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एच इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी 10 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 पहले से अपने पास है इसमें, तो हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, ये तो एक्स के प्लेस पे और अंडर रूट 3 आपके पास ऑलरेडी था, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से 3, 3 को 10 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 30 मीटर, ये तो किसकी वैल्यू होगी अपने पास है एच की, लेकिन मैंने बताया अभी जस्ट आपको डायग्राम में कि जो हाइट होगी हिल की वो क्या होगी यहाँ पे एच प्लस 10, जो बी डी है वो हिल की क्या होगी आपके पास एक्चुअल हाइट, तो एच में क्या प्लस कर देंगे यहाँ पे 10, तो एच की जो वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पे वो 30 मीटर, तो यहाँ लिखोगे हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू एच प्लस 10, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 30 प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर, ये आ गया इसका अपने पास आंसर, ये तो आ गई इसकी हाइट हिल की। और डिस्टेंस पूछे आपको सिर्फ से, तो एच की जो वैल्यू है आपको क्या पूछे इसमें डिस्टेंस हो जाएगी 10 रूट 3, तो डिस्टेंस जो पूछे आपको यहाँ पे सीपोर हिल के बीच की डिस्टेंस का आंसर आएगा इसमें 10 अंडर रूट 3 मीटर, वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से 10 मल्टीप्लाई 1.732 इज इक्वल टू 17.32 मीटर, बोथ आर राइट आंसर 10 अंडर रूट 3 या फिर अपने पास हो जाएगा 17.32 मीटर, ये हो जाएगी डिस्टेंस शिप से
हिल के बीच की डिस्टेंस, सॉरी हो जाएगी उनके पास हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये दोनों इसके क्या आएंगे, आंसर आएंगे। क्वेश्चन 24 आपको गिवन है, वर्टिकल ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाई स्ट्रॉन्ग विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड। एक ट्री आपके पास है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 12 मीटर और स्ट्रॉम के कारण से वो क्या हो गया, कहीं से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद उसका जो अपर पार्ट है, उसका जो टॉप पार्ट है, वो बेंड होके वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब ये जो पार्ट ए बी है वो इक्वल होगा किसके, बी डी के। यहाँ पे जो बी डी है ना वो ट्री का टॉप पार्ट है, जो क्या हो गया अपने पास, ब्रेक हो गया वो वाला पार्ट। आगे आपको दिया है क्वेश्चन में, वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। अपने पास कितनी हाइट से जो ट्री है वो क्या हुआ है, ब्रेक हुआ, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट। अंडर थ्री की वैल्यू यूज करनी है आपको यहाँ पे 1.732। देखो यहाँ से डायग्राम में समझेंगे, अपने पास यहाँ पे जो एसी है वो एक ट्री हो गया और ये अपने पास हो गया ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड से सपोज करो अपने पास पॉइंट बी तक ट्री क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक। ब्रेक होने के बाद इसका जो अपर पार्ट है ए बी वो यहाँ से बैंड होके ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है उसका टॉप पार्ट, और एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अगर मैं इसको एच लूँगा, यहाँ पे बी सी को कंसिडर किया यहाँ पे एच, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ए बी वो हो जाएगा टोटल में से इस एच को क्या कर देंगे, माइनस। तो 12 माइनस एच, तो जितना ए बी है उतना अपने पास क्या होगा, यहाँ पे बताओ बी डी, ए बी और बी डी अपने पास क्या होंगे, दोनों इक्वल, क्योंकि जो अपर पार्ट है उसी को आपने क्या किया, यहाँ पे बैंड होके ग्राउंड को क्या कर रहा है वो टच। तो कितनी हाइट से ट्री ब्रेक हुआ आपको एच की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पे, फाइंड आउट। तो सॉल्यूशन होगा इसका, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल अपने पास 60 डिग्री, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन में हो जाएगा ये सी डी, बी सी अपॉन में सी डी। बेस तो फाइंड आउट नहीं करना इसमें, इसमें आपको क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, सॉरी साइन अप्लाई करेंगे इसमें, टेन अप्लाई नहीं होगा, साइन अप्लाई करेंगे इसमें, इन ट्राइंगल बी सी डी इसमें अप्लाई करेंगे आप साइन, साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको गिवन, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये दो साइड आपके पास है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा इसका यहाँ पे बी डी। वैल्यू पुट कर देंगे तो वी नो डैट, पहले तो इसमें एंगल जो है वो 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू 1/√3/2, और बी सी पे यहाँ पे एच, और जो बी डी की वैल्यू है वो हो जाएगी 12 माइनस एच। इसको एच अगर अपने कंसिडर किया तो टोटल हाइट 12 थी, तो जो ए बी है वो आ गई 12 माइनस एच, तो ए बी किसके इक्वल है बताओ, बी डी के, तो ये भी कितना होगा 12 माइनस एच। वी नो डैट साइन 60 इज इक्वल टू 1/√3/2, और यहाँ से हो जाएगा एच अपॉन 12 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल टू 1/√3 12 माइनस एच, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 1/√3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3, और ये हो जाएगा 1/√3 एच इज इक्वल टू यहाँ पे 2h, 1/√3h माइनस में साइड चेंज करेंगे तो प्लस में, तो हो जाएगा 2h प्लस 1/√3h इज इक्वल टू 12√3, कॉमन आएगा यहाँ से h, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 12√3। क्वेश्चन में आपको 1/√3 की वैल्यू गिवन थी, 1/√3 जो गिवन था वो गिवन था 1.732, पुट कर देंगे यहाँ पे एच ब्रैकेट में 2 प्लस 1.732 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 1.732, ये हो जाएगा यहाँ से एच, 2 में 1.732 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.732, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 को 1.732 से मल्टीप्लाई 20.784। एच की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 20.784 डिवाइड बाई 3.732, पॉइंट से पॉइंट को क्या कर देंगे रिमूव, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5.569 मीटर। ये क्या होगा, इसका अपने पास रिक्वायर्ड आंसर है, एच की वैल्यू आ जाएगी। आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे कितनी हाइट से ट्री क्या होगा, ब्रेक होगा।
तो 5.569 मीटर से जो ट्री है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ग्राउंड से। यह आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जो गिवन है वो गिवन अपने पास, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन अपने पास वो क्या कहाँ थी आपको, टावर के टॉप पर। एंगल आपको गिवन है यहाँ पर डिप्रेशन टू द टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड आपको दे रखी वो गिवन है यूनिफॉर्म। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुँचने में अपने पास जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डायग्राम हो गया अपने पास, देखो ये सपोज ये भी एक टावर है, ये टावर का अपने पास हो गया पॉइंट टॉप पॉइंट। यहाँ से ऑब्जर्वर एक कार को क्या कर रहा है वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका एंगल आपको दिया है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री का। 6 सेकेंड के बाद में जो कार है वो मूव हो गई अपने पास डी टू सी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने सी पॉइंट पे आ गई। अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 32 किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, 60 में चेंज हो गया। अब उसने दिया है कि यहाँ तक पहुँचने में उसको 6 सेकेंड लगा और सी से टावर के फुट तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये आपको क्या करना है फाइंड आउट। यहाँ से टावर की जो हाइट वो कंसिडर कर ली अपने कितने मीटर, एच मीटर। सी से लेके बी तक की डिस्टेंस आपको क्या करनी है फाइंड आउट, और टाइम आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट। सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ पे, सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा इसका बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में हो जाएगा ये बी सी। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू एच कंसिडर किया आपने, और बी सी को बी सी आप यहाँ पे एज इट इज ले सकते हैं। ठीक है, वी नो डेट 1060 इज इक्वल टू 1√3 इक्वल टू एच अपॉन में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी बी सी √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर फिल ट्राइंगल लेंगे अपन ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में अपने पास एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, इसका बेस हो जाएगा बी डी। अब जो बी डी है उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी सी प्लस सी डी, बी डी को कर सकते हैं अपन बी सी प्लस सी डी। तो 10 30 इज इक्वल टू, वी नो डैट 10 30 इक्वल टू 1/√3। ए बी को अपन लिया था यहाँ पे एच, बी डी की जगह हो जाएगा अपने पास ये बी सी प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हो जाएगा एच √3 इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। अब एच की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से वो किसके इक्वल है, बी सी √3 के इक्वल है, ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर टू में। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से एच की वैल्यू कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे सेकंड में, वी गेट एच के प्लेस पे हो जाएगा बी सी √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 प्लस में बी सी ये हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू सी डी। 220 इक्वल टू सी डी, और जो बी सी की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से वो आएगी सी डी बाई टू। इट मीन्स जो बी सी डिस्टेंस है वो सी डी की क्या होगी यहाँ पे हाफ। आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे जो डिस्टेंस बी सी है वो सी डी से क्या होगी हाफ होगी। अगर सी डी अपने पास 100 मीटर है सपोज किया तो बी सी कितनी होगी 50, अगर ये 60 मीटर है तो ये कितनी होगी 30 मीटर, अगर ये 40 है तो ये कितनी होगी 20 मीटर। ऐसे अपना क्या किया है अपने प्रूव किया है कि जो डिस्टेंस बी सी है वो सी डी की क्या होगी हाफ। और स्पीड आपको दे रखी थी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड आपको गिवन थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड गिवन थी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल डिस्टेंस
बीसी इक्वल टू सिक्स बाई टू क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सी डी डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें टाइम कितना लगा था, 6 सेकेंड। अब ये डिस्टेंस इससे हाफ है सी डी से, तो टाइम भी क्या लगेगा, हाफ लगेगा, तो टाइम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आंसर आएगा अपने पास ये 3 सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बेटा पहले अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीसी बोर्ड में आ सकते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में।